बीते दिनी मुक्तसर दे सिविल हस्पताल दा कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बलजीत कौर वल्लों जायजा लिया गया। इस मौके डॉक्टर बलजीत कौर ने अपने इस हस्पताल च बिताए समय की गल भी की, नाल ही नाल भ्रिष्टाचार नूं खत्म करन दी गल भी की। उत्थे दूजे पासे जद डॉक्टर बलजीत कौर नूं पंजाब दे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बारे सवाल पूछे गए तो उन्हां दा कहना सी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब दी ठीक है, पर विरोधी अते शरारती अंसर जिहड़े ने लगातार पंजाब दे लॉ एंड ऑर्डर नूं बिगाड़न दी कोशिश कर रहे ने। इस मौके डॉक्टर बलजीत कौर ने यह भी कहा कि जिहड़े लोग बिना सर्टिफिकेट दे मेडिकल स्टोर चला रहे ने उन्हां मेडिकल स्टोरां दे उत्ते जल्द कार्रवाई भी होएगी। जी पहला भी जॉब करती सी तो मैनू अपनी जॉब नाल भी पूरा लगाव सी, लोगों के विच विचरती सी, लोग मेरे नाल जुड़े हुए सी और लोगों की इच्छा मुताबक ही मैं पॉलिटिक्स चली गई और जाते जाते मैनू कभी मैं एक्सपैक्ट भी नहीं किया कि मैं इस मुकाम तक पहुँचागी। सो लोगों ने पहुँचाया है, उन्होंने दिलों धन्यवाद करती हाँ। एक वड्डी जिम्मेवारी भी है मेरे सिर ते ते उन्हूं निभाउण लई भी मैं प्रण करदी। डॉक्टर साहब लोगों का मतलब भ्रिष्टाचार तो मजबूर होकर डॉक्टर बलजीत कौर ने नौकरी छड्डी, भ्रिष्टाचार तो वाकफ हो लोग दावे कर रहे हैं, उन्हें खत्म करने लई की करोगे क्योंकि शिकायतों की कोई लोड़ नहीं है तुहाडे तक, जड़ तक पहुँच है तुहाडी? लोगों का मनना हो सकता पर मेरे वालों कभी भी इस तरह का कोई बयान नहीं गया सीगा कि कोई भ्रिष्टाचार तो मजबूर होकर मैं नौकरी छड्डी। मैं अपना काम वधिया कर रही सी और मेरे कुछ अपने एम सी जिंदगी दे जिन्हां लई मैं नौकरी छड्डी सी। उस तो बाद वाली जिहड़ी गल है कि भ्रिष्टाचार नूं मुक्त करन लई की करांगे, तां ओह आम आदमी पार्टी दी सरकार ने सब तो पहलां ही इह दावा कीता सी ते ओह उपरले लैवल तो असीं शुरू कर दित्ती है कार्रवाई, हौली हौली इंप्लीमेंट हो जाएगी ते कुछ समा पा के असीं इस बदलाव नूं सिद्ध कर देवांगे। डॉक्टर साहब 15 दिन हो गए थायराइड दे टेस्ट करन दा भी समान खत्म है लैबोरेटरी जिले दा मौका सी। मेरे सामने हुणे ही सिविल हस्पताल दे SMO डॉक्टर सतीश गोयल जी ने भी मैनूं जो हस्पताल दीआं प्रॉब्लम्स ने, जो शॉर्टेजेस ने, उन्हां बारे दस्या। सो जिथे जिथे मैनूं लगेगा, जो जो मेरे ध्यान च आएगा, वो मैं अपने लैवल ते भी हल करवाउण दी पूरी कोशिश करांगी। सोशल सिक्योरिटी मिनिस्टर लई नाबालग बच्ची गायब है, 26 दिन हो गए, सिटी मुक्तसर परचा दर्ज है, माँ बाप दोष लगा रहे हैं, पुलिस बंदे फड़ के भी छड्ड दिंदी है, लॉ एंड ऑर्डर इन्ना खराब हो चुका है, तुहाडा जत्ती लॉ एंड जितों तक लॉ एंड ऑर्डर की गल करांगे तो लॉ एंड ऑर्डर एक अलग चीज़ है, बच्ची का गायब हो जाना वो पिछे इनकुआरी की जाएगी और इन प्रोसेस है मेरे ध्यान में है और जल्द ही सामने भी लिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर जोड़ा वो सिर्फ बच्ची लैके नहीं, पूरे पंजाब जिस तरह की गल फैलाई जा रही है कि काबू में नहीं है, तो ये बारे मैं कहना चाहागी कि जो भी सरकार बदलदिया ने तो ये कुछ शरारती अंसर वालों कह लो या विरोधी पार्टियां वालों थोड़ी बहुत हलचल होंगी है तो वह असी बहुत जल्द काबू पा लवेंगे, ये सानू विश्वास है। डॉक्टर साहब कंट्रैक्ट में अपना विभाग वालों कहा गया कि ड्यूटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते डॉक्टर जो जॉब करते हैं, डॉक्टर भजन लग गए, 30 दिन लग गए, मलोड की गल करिए तो डॉक्टर उतो 2 दिन पहला लगे, 2 हो जा चुके हैं, जबकि वो कहते रुझेवे हैं सब और बाहर ही बैठ के हॉस्पिटल नवे आपके बिल्कुल सरकारी अस्पताल कल के नाम काम चला रहे हैं। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं, ये पहला भी रूल सके जोड़े भी डॉक्टर प्राइवेट सरकारी हस्पतालों से काम करते प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते, मैं भी नहीं की, किन्ने साल मैं 20 साल जॉब की है। सो जोड़े डॉक्टर जा रहे हैं हो सकता उन्होंने कोई होर निजी मजबूरी हो, क्योंकि सरकारी हस्पताल बनाए ही जाते हैं कि लोगों को कोई राहत मिले, प्राइवेट हस्पतालों से जोड़े खर्च होंगे उन्होंने बच सकन। सो ये बारे मैं ये उन्होंने पूछा जा सकता कि उन्होंने किड़े रुझेवे हैं जिन्हें करके उन्होंने जॉब छड़ी। देखो जी इन्ने साल तो यह जो सिस्टम चले आ रहा है उन्होंने भी ध्यान में लिया जा रहा है, यह क्यों हो रहा है, बाकी जो जन औषधि स्टोर है उन्होंने वधाने की कोशिश की जाएगी, सेहत मंत्री जी नाल भी गलबात की गई है ते उस तो बाद जो नजायज दसे जा रहे ने एक स्टोर खुले है उन्होंने भी बंद कराने का पूरा यतन किया जाए। इनक्रोचमेंट है जिम्मे हम रोड एक मुद्दा सामने लगा हॉस्पिटल के गेट के उत्ते इनक्रोचमेंट हुई है, गेट नहीं बन पा रहा तो सारा कुछ तैयार हो गया पर गेट अजे भी रुकया होया है। बिल्कुल और बारे मैं खुद जाके भी देखा सी और सारी इनक्रोचमेंट भी खत्म की गई है, गेट भी बन जाएगा। अभी
ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਡੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਢਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ 6-6.5 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਖੋ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਗੇਟ ਪੱਕਾ ਬਣੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਟੁੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ PNP ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ LMIA ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜੋਬ ਆਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ